नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल रामजी। और आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आज हम लोग खेलने वाले, बात नहीं करने वाला हूं, IAF इंडियन एयरफोर्स का गेम जो इंडिया में रिलीज़ हुआ है कुछ दिन पहले, यानी कि वही 29 तारीख के लगभग में, और इसे आज हम लोग खेलने वाले हैं। और इसका मैं रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि गेम कैसा है। रियलमी 3 प्रो में खेल रहा हूं, 6GB रैम, 128GB इंटरनल। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल रामजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए गेम को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गेम हमारा कैसा है। तो पहला इंटरफेस में तो बहुत अच्छा झलक पड़ता है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अ कट अबव इसका गेम का नाम है। जी हाँ दोस्तों, गेम बहुत ही अच्छा है और यही समय है आपको अपने इंडियन को सपोर्ट करने का। इन डेवलपर्स को सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप अभी कभी डाउनलोड करिए। यहाँ देख सकते हैं मेन कैरेक्टर दिखाया गया अभिनंदन को, अभिनंदन जी को, जी हाँ, जो अभी कुछ दिन पहले जो अभी चर्चा में चल रहे थे, जो पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए थे एंड बहुत कुछ, जो आपको पता ही होगा, ये तो पूरा इंडिया में गर्मा गर्म माहौल चला था। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गेम सकते हैं 3 मोड आपको मिलता है। एक फ्री फ्लाइट मोड जो ऐसे आप ओपन करते हैं तो आपको मेल मांगता है, एक सिंगल प्लेयर, और एक यहाँ पर आता है आपका ट्रेनिंग। जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, गेम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने फाइनली रजिस्टर कर लिया है अपने, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सिंगल प्लेयर तभी अनलॉक होता है जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रेनिंग में आपको तीनों कंप्लीट करना पड़ता है एक एक कर करके। लेकिन इस गेम का एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, जी हाँ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बाकी सभी कुछ सही है। जो जैसा गेम है 400-500 MB में, लाइक 400-500 में आपको मिल जाता है, या बहुत सारे आपको जो ये देख सकते हैं फ्री फ्लाइट में प्लेन उड़ाने का मौका मिलता है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेन है, अपाचे है, उसके बाद बहुत सारे प्लेन है, इसके तो मुझे आइडिया भी नहीं है। तो चलिए इस बात से मुझे ये बात पता चलता है कि जैसे पबजी में हमें गन्स का आइडिया हुआ, M416 क्या होता है, AKM क्या होता है, वैसे ही इस गेम में हमें अच्छे अपने इंडियन एयरफोर्स का जो जितने प्लेन है ना, उन सभी के बारे में, फाइटर्स प्लेन के बारे में पता चलेगा, और अच्छे से डिटेल में इनका नाम भी एकदम सही से दिया गया है, कोई ऐसा फनी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी इस गेम का जो जायरोस्कोप है ना, वो कुछ सही से काम नहीं कर रहा, शायद ये डेवलपिंग मोड में है या फिर अभी कुछ नया है इसलिए कुछ सही नहीं है। डेवलपर्स बोल रहे हैं कि अभी गेम में बाद में अपडेट देंगे। देख सकते हैं मुझे आपको देखने में लग रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में काफ़ी अच्छा चले, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत ही मुझे हाथ ऊपर नीचे करना पड़ा, जैसे कि एसफाल्ट 9, एसफाल्ट 8, ट्रैफिक राइडर जो गेम होते हैं, ये सब में जायरोस्कोप में नंबर 1, मतलब कि बहुत मक्खन होते हैं भाई, अब बहुत अच्छे होते हैं। बट इसका मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब करना क्या चाहता है। मैं हाथ में जब मतलब जो मेरा जो फ़ोन का स्क्रीन है, मैं अपने चेहरे की तरफ करके हूँ, नॉर्मली जैसे जायरोस्कोप वाले गेम रहते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, इसमें आप मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आप जायरोस्कोप से ही खेल सकते हैं। और प्लीज़ नोटिस दे रहा हूँ, सेटिंग के संग कोई छिड़खानी मत करना, जो थोड़ा बहुत गेम चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा। देख सकते हैं आप गेम को हाई क्वालिटी में चला सकते हैं, पूरा वेरी हाई क्वालिटी में, मेरे फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है, देख सकते हैं ग्राफिक्स क्वालिटी वेरी हाई है। आपके फ़ोन में क्या सपोर्ट करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी एक्सट्रीम में मैं चला लेता हूँ, और पबजी HD और हाई में। तो यहाँ देख सकते हैं गेम काफ़ी अच्छा है। देखिए पबजी को टक्कर देने लायक तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन हाँ गेम अच्छा है, ठीक है, गेम बहुत ही बढ़िया है, ग्राफिक्स भी काफ़ी सही है, ठीक ही ठाक है। और अभी पहला वर्जन है तो अभी और भी वर्जन के अपडेट्स आएंगे, डेवलपर्स बोल रहे थे, तो तब जाके गेम जो है और भी सुधर जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा, और नए नए मोड्स आ जाएंगे। अभी फिलहाल में सिर्फ आपको 10 मिशन मिलते हैं। मैं तो बोलता हूँ जाइए अपने इंडियन भाइयों को, डेवलपर्स को सपोर्ट करिए, काफ़ी अच्छा इन्होंने गेम बनाया है, जो कोशिश किया फर्स्ट टाइम में बहुत सही कोशिश किया है, और मैं तो डाउनलोड कर लिया हूँ अपने घर में जितने फोन से सभी में, और रिव्यू में भी दे रहा हूँ 5 स्टार, क्योंकि उनको और भी, जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई इनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यही मौका है अपने इंडिया को सपोर्ट करने का और आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, अपना सलाह मशवरा जो भी आप देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, दिल खोल के, कोई दिक्कत नहीं है, और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए वीडियो थैंक यू एंड बाय बाय।